हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आई एस पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में हम लोग देख रहे थे 2018 का पेपर और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस 2018 पेपर का पेपर नंबर वन का हम लोगों ने सेक्शन ए डिस्कस किया था और इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे और हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी की जो कि प्रिसाइसली ह्यूमन जोग्राफी का पार्ट होता है तो फटाफट फ़ड़ शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को देखते हैं दिस वॉज द लास्ट डिस्कशन जो कि हम लोगों ने सेक्शन ए डिस्कस किया था आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंड द स हीज ऑल्सो मे बी बेनिफिटिंग यू इन फॉर्मेशन ऑफ द आंसर्स और एक जानकारी हो रही होगी कि कैसे हमें लिखना चाहिए दिस इज द क्वेश्चन फिफ्थ का ए और जो आपको पता है कि दिस इज कम्पल्सरी क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर है क्वेश्चन की जोग्रफी इज कंटेस्टेड एंड मल्टीपैरा डिग्मिक डिसिप्लिन विथ अस्ट्रॉन्ग यू सेंट्रिसिटी दैट हैज ओनली रिसेंटली बीन चैलेंजड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि व्हाट इज दिस एंड द काइंड ऑफ टर्म द काइंड ऑफ टेक्निकलिटी द क्वेश्चन इज हैविंग आई हैव नॉट रेड एनीवेयर लेकिन ये तब लगेगा जब आप इसको बुक में इसका आंसर ढूंढेंगे लेकिन अगर आप इसे अपने दिमाग में इसका आंसर ढूंढेंगे तो बहुत आपको लगेगा दिस इज द मोस्ट वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन आ सकता है अब देखिए इसको मैं ब्रेक करता हूँ सबसे पहले है कि जोग्राफी ठीक है जोग्राफी इज लाइक ए सब्जेक्ट कोई दिक्कत नहीं है तो हमारी हो गई है जोग्राफी आगे का टर्म बोलता है कंटेस्टेड यानी कि इसको कंटेस्ट कराया जा रहा है यानी कि एक तरीके से किसी के साथ में कंपैरिजन कुछ की जा रही है मल्टी पैराडिग्मिक डिसिप्लिन मल्टी मतलब कई सारी चीजें पैराडिम का मतलब हो जाता है कई सारे स्फीयर हो गए या फिर सारे डिमेंशन हो गए तो यहां पर क्या है मल्टी डिमेंशनल आप इसको सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं तो मल्टी डिमेंशनल के नाम से आप इसको समझिए विथ यानी प्लस का साइन स्ट्रॉन्ग यू सेंट्रिसिटी यू सेंट्रिसिटी का मतलब हो गया कि इसमें कई सारे एरियाज हैं जैसे आप जब डिमेंशन की बात करते हैं तो वहां पर हो सकता है कि आप किसी एक सिंगल सब्जेक्ट में कई सारे डिमेंशन देख सकते हैं लेकिन वही अगर कई सारे सब्जेक्ट में कई सारे डिमेंशन देखने लगे उसको हम लोग बोलते हैं यू सेंट्रिसिटी दैट हैज़ ओनली रिसेंटली बीन चैलेंजड और इसे जो है वो चैलेंज किया गया है रिसेंट के टाइम में सो so अब थोड़ी सी आपको आइडिया लगी होगी कि जोग्रफ़ी मल्टी डिमेंशनल मतलब कि यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी की भी बातें होंगी क्लाइमेटोलॉजी की भी बातें हो जाएंगी बायोस्फियर की भी बातें हो जाएंगी और साथ ही साथ में ओशन की बातें हो जाएंगी सो so यहाँ पर क्या है कि फिजिकल पार्ट ऑफ द जोग्रफ़ी एक सेक्शन हुआ और उसमें मल्टीपल डिमेंशन ये सारे फोर मल्टी डिमेंशनस हो गए इसी तरीके से जब हम लोग ह्यूमन पार्ट में आएंगे तो ह्यूमन पार्ट में भी आपको मल्टी डिमेंशनल चीजें दिखेंगी जैसे कि यहां पर पॉलिटिकल जोग्रफी हो गई या फिर पॉपुलेशन जोग्रफी हो गई या फिर सेटलमेंट जोग्रफी हो गई या फिर इंडस्ट्रियल जोग्रफी हो गई या फिर इकोनॉमिक जोग्रफी हो गई ठीक है और एंथ्रोपो जोग्राफी हो गई सो so यहां पर क्या है मल्टीपल थिंग्स है कल्चरल एलिमेंट को लेते हुए हमारे पास मल्टीपल चीजें आ जाती हैं मल्टीपल डिमेंशंस और यूज़ आ जाती है।, है। so यहाँ पर अगर डेवलपमेंट तो केवल को शुरू तो शुरू में सबसे पहला जो चैलेंज किया गया था किसने चैलेंज किया था ये चैलेंज किया गया था बताइए दिस इज कांत इमेन कांत ने सबसे पहले चैलेंज किया था और इमैनुअल कांत ने फिर एक डिस्क्रिप्शन वाली जो अप्रोच है उस डिस्क्रिप्शन अप्रोच को ये लेकर के आगे आए थे और उसके बाद से तो चैलेंज की झड़ी लग गई लगातार जो है मल्टीपल चैलेंजेस किए गए अलग अलग लोगों के द्वारा और वो आपको पता है कि किस तरीके से डिबेट एंड डिस्कशन स्टार्ट हुई थी जैसे कि डुअलिज्म डाइकोटॉमी का एक पार्ट हो गया तो डुअलिज्म डाइकोटॉमी की एक पार्ट आप दिखा देंगे कि दिस वॉज द एज दिस वॉज द एक तरीके से फेज़ आया था जहाँ पर हमें इस तरीके के डिस्कशन देखने को मिले थे फिर हमारा जो नया डिमेंशन वो आया था एन्वायरमेंटल जोग्राफी का आया गया था एन्वायरमेंटल या फिर इसे बोल सकते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ चैलेंज फिर इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट आ जाती है जहाँ पर हमें बिहेवियल जोग्राफी के बारे में पढ़ना होता है तो बिहेवियल भी एक तरीके का क्या है कि एक अप्रोच आ गया क्यू आर फेज एक तरीके का चैलेंज आ गया इसी तरीके से आगे देखेंगे तो हमारे पास वेलफेयर जोग्राफी एक नया चैलेंज आ गया ठीक है तो ये जो टर्म्स आ जाते हैं ये जो चीज़ें आ जाती हैं सोशलिज्म वाली जो चीज़ें आ जाती हैं ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है ऑन द डिमेंशनस ऑफ जोग्रफ़ी एट दैट टाइम और यही सारी चीज़ें बेसिकली आपको दिखानी थी यही सब चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको डिस्कशन करना है दिस इज़ अ पार्ट नंबर वन दिस इज़ अ पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर थ्री पार्ट नंबर फोर तो अब ये बताइए दिस इज द अब ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ ये काफी सिंपल हो गया क्योंकि यहां पर अभी तक केवल आपको क्वेश्चन डिसिफर करना था बस कुछ टेक्निकल वर्ड के थ्रू आपको डराने की कोशिश की गई थी मल्टीपैराडिग में कैन यू सेंट्रिसिटी ये सब बड़े बड़े टर्म फेक करके केवल डराने की कोशिश की गई थी अदरवाइज क्वेश्चन में एज सच कुछ भी नहीं था क्लियर <coughs> हो गया अब इसकी स्ट्रक्चरिंग क्या हो सकती है देखिए स्ट्रक्चरिंग के लिए आपको ये बताना पड़ेगा शुरुआत में डिफाइन द जोग्राफी डिफाइन कर दीजिए आप जोग्राफी को इस डेफिनेशन के बाद इस डिफाइन करने के बाद आप दिखा दीजिए कि कौन कौन से इसमें पहले डिमेंशन है मतलब कि मल्टी प्रैग्मेटिक डिसिप्लिन आप दिखा देंगे कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जैसे ये सब लिखा हुआ है ये सब जो है बेसिकली क्या है मल्टी पैराडिकमिक uh, भी हो गए अब इसके बाद से बताइए कि हाउ द चैलेंजेस वेंट किस तरीके से चैलेंज जो है वो आगे बढ़ा अब यहां पर वन टू थ्री फोर ये सारी चीजें आपको लिखी गई हैं पैराग्राफ के फॉर्मेट में या फिर पॉइंट फॉर्मेट में आप चीजों को लिख करके दिखा सकते हैं हेडिंग लिखिएगा हेडिंग लिख करके एटलीस्ट चीजों को बताइएगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट जो ये बनाया गया है ये फ्लो चार्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ईजी पार्ट था बस आपको क्या है डिसीफर करने की जरूरत थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क द डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज ए फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रोकेशन विध रिस्पेक्ट टू फूट लूज इंडस्ट्रीज अब देखिए अगेन क्वेश्चन को डेसीफर आपने कर लिया होगा इजी पार्ट है कंटेंट और स्ट्रक्चर क्या होगा स्ट्रक्चर में देखिए आपको क्या करना होगा दो चीजें आपको यहां पर एज पार्ट ऑफ द थ्योरी मिल जाएंगी जैसे कि लोकेशनल फैक्टर और दूसरी ट्रांसपोर्टेशन अब आपको एक आइडिया लग गया कि हमें स्टार्ट करना है लोकेशनल मॉडल से तो हमें पता है कि लोकेशनल मॉडल्स क्या क्या हैं तो लोकेशनल मॉडल का आप एक बिहेवियर मतलब कि एक जो शुरुआत में इंट्रोडक्टरी पार्ट है क्यू को फेज़ को लेते हुए वो आप दिखा दीजिएगा कि क्यू आर फेज़ में मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर्मुले फार्मुले फॉर्मुलेशन वगैरह स्टार्ट कर दिया गया था और उसमें लोकेशनल मॉडल इस तरीके से निकल करके सामने आ गया था सो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप ऑफ लोकेशनल थ्योरीज जो कि अलग अलग डायरेक्शन में बनाई गई थी जैसे कि एक अर्बनाइजेशन के क्षेत्र में बनाई गई थी जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्रिस्टोलर की थ्योरी तो दिस इज इस क्रिस्टॉलर इसी तरीके से वेबर की थ्योरी आ गई थी इंडस्ट्रियल लोकेशन में तो इंडस्ट्रियल लोकेशन थी यहाँ पर वेबर के मॉडल को आप बता देंगे इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर में बनाई गई थी उसका नाम था वॉन थ्यून थ्योरी और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो अजम्पन बताना है कि आखिर में कौन कौन सी अजम्सन जो है वो फॉलो की जाएगी इनके द्वारा इस एजम्शन में अब आप इस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर को लेकर कहेंगे क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड की गई है तो ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर के बारे में आप दिखा देंगे कि हाउ दिस द ओनली थिंग दैट वॉज केयर्ड बाई कंट्रीब्यूटर्स या फिर जो भी जोग्राफर थे एंड इन्होंने कहा कि दिस इज द ओनली कॉस्ट दैट वी कैन मैनेज यानी कि इसे हम मैनेज कर सकते हैं यानी कि एक तरीके से ज्यादा कम या जो भी चीजें हो रही होंगी वी कैन मैनेज दिस कॉस्ट इज दिस क्लियर ओके सो अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए आपको यह आइडिया लग गया कि लोकेशनल मॉडल के बारे में बताना है और इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन कर देने हैं ये हो गया आपका इंट्रो पार्ट आगे पढ़ेंगे जब बॉडी के बारे में आएंगे तो यहां पर आप बताएंगे इंडस्ट्रियल क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज के बारे में बात की जा रही है तो आप इंडस्ट्रीज के बारे में बता देंगे आप दिखाएंगे कि इंडस्ट्रीज किस किस टाइप की पॉसिबल है तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज के टाइप को लेते हुए आप एक फ्लो चार्ट बना दीजिए और इस फ्लो चार्ट में आप दिखा दीजिए कि एक और इंडस्ट्री होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फूड लूज इंडस्ट्री सिंगल लाइन में इस फूड लूज इंडस्ट्री को डिफाइन कर दीजिए कि आखिर में इसका मतलब क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट्स आप बता दीजिए कि इसकी क्या क्या ज़रूरतें होती हैं इस रिक्वायरमेंट को बताने के बाद अल्टीमेटली आप अब बताएंगे कि, कि किस तरीके से इसको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें जैसे अगर मान लेते हैं किसी रॉ मटेरियल के तौर पे किसी एलिमेंट की ज़रूरत है तो रॉ मटेरियल क्या क्या पॉसिबल है जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है इस फूड लूज इंडस्ट्रीज़ को इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ अनदर कॉस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जो सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर होती है उसकी ज़रूरत होती है तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये जो चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली अब आपका आंसर जो है वो एक तरीके से लाइन में आ गया है कि अब आप मेन आंसर को शुरू कर सकते हैं अब आप मेन आंसर पे आ जाइए मेन आंसर यह है कि ट्रांसपोर्टेशन की क्या इंपॉर्टेंस है तो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस और वो भी इस फूट लूज में तो आपने देखा किस तरीके से फूट लूज इंडस्ट्री की ओर में पहले हम लोग आए इसके रिक्वायरमेंट्स बताए और फिर फ्लो के चक्कर में इस फ्लो को मेंटेन करते हुए हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लेकर के आया अब आप यहाँ पर चीज़ों को बता दीजिए सिंपल लैंग्वेज में जो भी जो भी जोग्रफी लिखनी थी ऑलरेडी वी हैव रिटन हियर नाउ यू हैव टू जस्ट राइट इट जनरली कि एक जनरल टर्म में भी लिख सकते हैं आप कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस तरीके से इंडस्ट्रियल मॉडल को या फिर फूड क्लोज इंडस्ट्रियल मॉडल को डिफाइन कर सकती है यहां पर आप हेल्प लीजिए ऑब्वियसली वेबर के मॉडल की और वेबल के मॉडल पे ही बताइए किस तरीके से ये डिसाइड किया जा सकता है क्लियर हो गया तो ओवरऑल दिस इज द आंसर छोटा आंसर है ज्यादा कुछ खास है नहीं लेकिन कंटेंट जो है वो मोरलेस यही चीज रहेगी क्लियर नाउ द नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट थिंग अगेन इज अ वेरी इजी कंसेप्ट लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ मेगालोपोलिस एंड एग्जोपोलिस विद रिगार्ड टू ग्रोथ ऑफ सिटीज इंडिकेटिंग वेदर द टू कैन एंड डू ओवरलैप अब यहां पर जैसे क्या होता है सबसे पहले आपको क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी के बारे में पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी क्या चीज है अब देखिए इस क्लासिफिकेशन को कई लोगों ने अलग अलग टर्म में डिफाइन किया जैसे एक साहब थे जिनका नाम था हॉस्टन हॉस्टन ने अपनी थ्योरी जो दी थी उस थ्योरी में इन्होंने बताया था मेट्रोपोलिस मेगालोपोलिस टेक्टोपोलिस एग्जोपोलिस तो इस तरीके से इन्होंने क्या है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्होंने डिफाइन किया था हालांकि आगे और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी के बेसिस पे और सेटलमेंट के बेसिस पे इन्होंने डिवीज़न पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवीज़न किया हुआ था तो आपको क्या है कि इस थ्योरी को आपको दिखाना है और अगर आपको कोई और कंट्रीब्यूटर या और क्लासिफिकेशन याद है तो बिल्कुल आप फ्लो चार्ट बना करके उसको भी मेंशन कर सकते हैं तो कीप इन माइंड दैट यू हैव टू ड्रॉ फ्लो चार्ट हियर अब इसके बाद से हॉस्टन की जो थ्योरी है उस पर एक अलग से आप फ्लो चार्ट बना देंगे कि बिकॉज दिस इज द मेन आंसर नाउ वॉट यू विल डू आपने एक बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया है अब मेट्रो पोलिस दिस मेघालो पुलिस को दिस इज मेघालो पुलिस के बारे में पूछा गया तो मेघालो पुलिस को आप डिफाइन कर देंगे और साथ ही साथ में आप इस एक्जो पुलिस को भी डिफाइन कर देंगे तो इन दोनों लोगों को आप डिफाइन कर दीजिए डिफाइन करने के बाद आप ये बताइए कि हाउ दीज टू टर्म्स आर रिलेटेड एंड हाउ दी टू कैन डेवलप एंड कैन ओवरलैप अब जैसे क्या है कि कई सारी सिटीज मान लेते हैं कि इस तरीके से बन गई हैं सो वॉट विल हैपन कि यहाँ पर ये सिटी आप धीरे धीरे दूसरी सिटी को अपने अंडर में ले लेगी ओवरलैप होते जाएगा इसी तरीके से ओवरलैप होते जाएगा इसी तरीके से ओवरलैप होते जाएगा और ये किसी और के साथ में ओवरलैप कर लेगा तो इस तरीके से क्या होगी कि द सिटी विल ऑब्वियसली ग्रो बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द एक्टिविटी ऑफ इंटरसिटी इस तरीके से अल्टीमेटली ये जो ओवरलैपिंग कंसेप्ट है इसको भी आप डिस्कस कर देंगे सो so, यहाँ पर जो मेन जियोग्राफी है वो है इसका इंट्रोडक्शन जो आपने शुरू में लिख दिया बाकी जो कंसेप्ट है वो तो खैर आपको पता ही है वो तो चीजें भी आप जान रहे हैं एंड कंटेंट ऑलरेडी आप लोग इस चीज को पढ़ रखे हैं क्लियर हो गया हालांकि ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन हो गया जहां पर आपको कंटेंट पता होना चाहिए देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर देखिए अगेन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज ऑफ परस थे ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल डेवलपमेंट क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे पेरुएक्स ने जो कुछ भी बोला है उसके बारे में आपको बताना होगा उससे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप स्ट्रक्चर पूछेंगे तो यहां पर सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में आप ये बता दीजिए ग्रोथ पोल और इंड ग्रोथ सेंटर क्या होती है ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर ध्यान आपको ये रखना है कि कभी भी आप जब भी इसको डिफाइन करें या चीजों के इसके बारे में लिखें तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर डिफाइन कर रहे हैं लगना ऐसा चाहिए दैट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लेन द परवेक्स थिंग ठीक है इस परवेक्स की चीज को आप ग्रोथ फुल ग्रोथ सेंटर के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं दिखा रहे हैं दैट इज द की फॉर द आंसर राइटिंग हियर क्लियर अब इसके बाद से आप आ जाएंगे मेन बॉडी में और मेन बॉडी में आप जो परवेक्स का मॉडल है उस परवेक्स के मॉडल के, के, के बारे में बताएंगे बॉडी विले के मॉडल के बारे में बताएंगे और इनका फ्लो चार्ट बना देंगे ठीक है फ्लो चार्ट बनाने के बाद वापस से आप पेरुवेक्स पे आएंगे एंड पेरवेक्स में जो कुछ भी इनके मेन क्वेश्चन मतलब मेन जो पार्ट है उसको आप लोग दिखा देंगे कि दिस इज द थिंग उसमें से एक चीज है जिसके बारे में इन्होंने बोला फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज और इस फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में आप चीजों को बता देंगे कि जैसे कि हालांकि हम लोगों ने इसको डिस्कशन काफी डिटेल में किया था एंड वी डिड एक्चुअली दैट इन एडवांस जोग्रफी कंसेप्ट बट यहाँ पर भी uh, मतलब डिस्कसन uh, नहीं हो पाया था जिसके कारण से उस थ्योरी को हम लोगों ने यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर दिया है इस फ्री लेक्चर सीरीज में भी इंक्लूड कर दिया गया था सो दैट इज़ द थिंग तो द मेन मोटिव ऑफ़ दिस एडवांस ज्योग्रफी कोर्स कई लोग पूछते रहते हैं कि एडवांस जोग्रफी कोर्स का मतलब क्या है देखिए मेन मोटिव ऑफ दिस एडवांस जोग्रफी कोर्स इज़ दैट कि आप इस तरीके के जो थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं उनको आप डेसीफर करना उसको ब्रेक करना और उसके कंटेंट को कैसे लिखना कैसे समझना और क्या एक्स्ट्रा कंटेंट लिख सकते हैं उसी एक्स्ट्रा कंटेंट के बारे में यहां पर बेसिकली बातें की जाती हैं तो ये लेक्चर बेसिकली एडवांस ज्योग्राफी का कंटेंट इनरिचमेंट प्रोग्राम है आंसर इनरिचमेंट प्रोग्राम है सो दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस एडवांस ज्योग्राफी कोर्स ठीक है कमिंग बैक टू दिस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो फॉरवर्ड गोइंग होती हैं फॉरवर्ड का मतलब हो गया जो आगे बढ़ती हैं जैसे कि एक तरीके से ऑटोमोबाइल मान लेते हैं तो ऑटोमोबाइल के अलग अलग पार्ट जो है वो आ, बनेंगे और फिर ये जो छोटे छुट छुट छोटे पार्ट हैं वो छोटे छुट छुट छोटे पार्ट अल्टीमेटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आ, सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो ये हो गई फॉरवर्ड जहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड बैकवर्ड का मतलब ये होता है कि आप कुछ टेक्नोलॉजी कुछ इंडस्ट्री ऐसी सेट कर रहे हैं जो एक्चुअल में माइनिंग वगैरह को प्रमोट कर रही है कि जा करके आयरन निकालेगा स्टील बनाएगा तो ये सब जो होती हैं पीछे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज जो फॉरवर्ड जा रही होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेज तो दिस इज एज सिंपल एज दैट एंड इस थ्योरी को इस डिस्कशन को हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया इवन ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कसड इधर इन 2019 पेपर और 2018 पेपर वी हैव कवर्ड इन आवर लेक्चर सीरीज तो कई लोग ये भी पूछते हैं कि वेदर द सीरीज इज सफिशियट और नॉट सो यू कैन ऑब्वियसली चेक यू कैन इवेलुएट यू हैव टू डिसाइड वेदर दिस सीरीज इज सफिशियंट और नॉट सफिशियंट ठीक है बाकी अगर आप सीधी सी बात है मेरे से पूछेंगे तो आई वुड ऑब्वियसली से कि दिस इज द कंप्लीट सीरीज आई वुड आई से कि मेरे अंदर में कमी है सो यू हैव टू इवेल्युएट एंड यू गाइज आर गोइंग फॉर आई ए एग्जामिनेशन और आप लोग इस तरीके से पढ़ने से कतरा रहे हैं तो दैट शुड नॉट बी द स्ट्रैटी आपको बल्कि ज्यादा से ज़्यादा आपको इंथूजियाटिक होना चाहिए कि ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं ऑब्वियसली सिलेबस वाइज ही पढ़ेंगे ऐसा नहीं कि इलॉजिकल पढ़ना शुरू कर दें लेकिन पढ़िए चलिए खैर सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यही आपको अपनाना है अल्टीमेटली आप इस तरीके से कर सकते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पर बोला गया है कि आउटलाइन ब्रीफली एज ऑफ मास कंजम्पशन यहां तक पढ़ेंगे आपको लगेगा भाई क्या पूछने वाला है लेकिन छोटा सा टर्म लिख दिया रोस्टो और उसमें भी मल्टी स्टेज थ्योरी बता दिया पूरा का पूरा आंसर ही कुछ नहीं करना है बस सिंपल चीज यहां पर बोला गया है रोस्टोव की थ्योरी के बारे में आप एक्सप्लेन करिए रोस्टोव ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर से और इस ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर के बाद से अल्टीमेटली आप रोस्टोव के जो फाइव स्टेज मॉडल है जिसको कि नाम भी दे दिया यहां पर मल्टी स्टेज थ्योरी मॉडल इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे फ्लो चार्ट बना करके और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप एक्सप्लेन करेंगे लेकिन कीप इन माइंड कि इस पांच स्टेज में एक स्टेज आती है एज ऑफ मास कंजम्पशन तो ये जो एज ऑफ मास कंजम्पशन है इसको आप प्रॉपरली इसको आप एक तरीके से कह लीजिए कि स्पेशल फोकस करके एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज दिस इज द मेन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है वन फिफ्टी वर्ड में लिखना है यू कैन ईजिली राइट दिस क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं अगर आपको कंटेंट पता होगा तो क्लियर हो गया क्या चीज है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पर कहता है कि एरियल नाम पढ़े मुस्कान की चमकान आ गई अब देखिए हैज प्रोवाइडेड द थियोरिटिकल जस्टिफिकेशन फॉर स्टडी रीजियंस एंड रीजनल जोग्राफी कुल मिलाकर के इतने बड़े क्वेश्चन का मतलब सिर्फ यही है कि आपको डिफाइन करना है एरियल डिफ्रेंसिएशन क्या चीज होती है इस एरियल डिफ्रेंसिएशन के बाद आपको यह लिंक करना है कि दिस हैज़ लेड टू स्टडी ऑफ़ रिजियन स्टडी ऑफ रीजन के बारे में हम लोगों को स्टडी करने को मिला साथ ही साथ में इस तरीके से एक नई जोग्रफी जिसको हम लोग रीजनल जोग्रफी बोलते हैं वो डेवलप हो गई है सो दिस इज़ द मेन यू कैन से फ्लो ऑफ द आंसर देखिए दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है अपने आंसर में फर्स्ट चीज़ तो सब लोग बताते हैं सेकेंड थिंग जो आपको खुद डेवलप करनी है फर्स्ट थिंग स्ट्रक्चर जिसे सिखाया जा सकता है दूसरी चीज़ होती है फ्लो जिसे सिखाया नहीं जा सकता है दिस इज सेल्फ लर्निंग सेल्फ लर्निंग जैसे क्या है आप लोगों में से कुछ लोग ड्राइविंग ड्राइविंग जानते होंगे तो ड्राइविंग में क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको खुद सिखाई जाएंगी मतलब कि आप ये समझिए 60 टू 70 परसेंट आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं फिर उसके बाद से ये कहा जाता है कि जो 30 टू 40 परसेंट जो बचा है वो एक्चुअली सेल्फ लर्निंग होती है कि आप कहीं पर कोई गलती करेंगे फिर आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे जानेंगे और फिर उस गलती से आप एक तरीके से रूबरू हो चुके हैं अब वो गलती आप कभी दोहराएंगे नहीं सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है इस आंसर राइटिंग में भी आंसर राइटिंग इज़ आल्सो काइंड ऑफ ड्राइविंग थिंग कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सिक्सटी सेवेंटी परसेंट सिखा दिया जाता है लेकिन उसके बाद देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू डिराइव यू विल प्रोड्यूस अ गुड आंसर खुद ही सोचिए अगर सारी ही चीज़ें अगर सिखा दी जाती हैं तो फिर आंसर uh, राइटिंग इतना बड़ा इतना मुश्किल क्यों होता सो दिस इज़ द थिंग यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद योर सेल्फ एंड यू हैव टू डेराइव न्यू थिंग्स ऑल्सो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पर सिंपल के सिंपल जो चीज़ें बात की गई हैं सबसे पहले आप एरियल डिफ्रेंसीशन की बताएँगे एरियल डिफ्रेंसीेशन की शुरुआत ऑब्वियसली आप इमानुअल कांत के डिस्कशन से करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं यही वो एक फ़िलासफ़र हैं कंट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने इस पूरी की पूरी कहानी को शुरू किया था तो ये उसके बन गए गॉड तो गॉड की पूजा किए मत्था टेके आगे बढ़े अब आ जाएंगे एरियल डिफ्रेंसिएशन में यहां पर हमारे आ जाएंगे हार्टशोन साहब फादर ऑफ ह्यूमन जोग्राफी तो यहां पर आप हार्टशोन साहब के बारे में बता देंगे चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे एंड ये भी बताएंगे हाउ दिस हार्टशोन डेवलप्ड दिस थ्योरी मतलब कि इनके फॉलोअर्स कौन कौन लोग थे तो फॉलोअर्स के बारे में भी आप बता देंगे जैसे कि विडाल साहब हो गए विडाल डेला ब्लास्ट वगैरह इसके अलावा आप बता देंगे हेटनर साहब के बारे में कि हेटनर ने भी कहीं ना कहीं इस थ्योरी को इस तरीके की थ्योरी को जो इनका टर्म इडियोग्राफी था वो कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को सपोर्ट करता है इसके अलावा हेलन सेम्पल के बारे में भी आप बता सकते हैं एलन सेम्पल कहीं कई कही जगहों पर ये ई के हिसाब भी स्टार्ट लिखा गया है दूसरा हंटिंगटन के बारे में भी आप बता देंगे हंटिंगटन इसके अलावा अगर कुछ और भी नाम अगर आपको याद होंगे तो फिर आप बिल्कुल लिख सकते हैं जैसे हॉशर एंड ऑल दैट बहुत सारे लोग हैं लिख सकते हैं उनके भी बारे में अब आप आ जाएंगे इन थ्योरी को बताएंगे हाचून की थ्योरी को बताएंगे और बताएंगे कि हाउ डिड दिस स्टडी ऑफ रीजन गॉट डेवलप्ड एंड दिस इज ऑब्वियसली साइंटिफिक बट एट द सेम टाइम दिस इज ह्यूमनिस्टिक ये जो है ह्यूमनिस्टिक है और इसी के बेसिस पर विटल से ने भी अपनी एक थ्योरी डिफाइन की थी तो विटल से की थ्योरी और उनका एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी आप मेंशन कर सकते हैं एग्रीकल्चर रीजन को डिफाइन करते हुए क्लियर हुआ क्या चीज़ है इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हार्डसोन तो आपने बता ही दिया है इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो रीजनल जोग्रफी के बाकी और भी लोग हैं उनके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं अल्टीमेटली आप रीजनल ज्योग्राफी आ जाएंगे तो यहाँ पर आप थोड़ी सी इनकी इंपॉर्टेंस को दिखा दीजिए और बस आंसर को कंप्लीट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका आंसर जहां पर जिस तरीके से भी एथरिटिकल जस्टिफिकेशन जो कुछ भी देना था वी हैव डन दैट ठीक है तो दिस शुड बी द स्ट्रक्चर सबसे पहले स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर थ्री एंड स्टेप नंबर फोर एंड फाइनल कंक्लूजन काम आपका खत्म यही होगा आंसर क्लियर हो गया क्या चीज है आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटिंग एग्जाम्पल फ्रॉम एशिया एंड यूरोप ठीक है कोई दिक्कत नहीं है देखिए कभी भी एशिया का नाम आए तो आप इसको डिवाइड कर लिया करिए हमेशा चाहे वो जीएस का क्वेश्चन हो चाहे वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो ऑप्शनल का क्वेश्चन हो जब भी एशिया है डिवाइड करिए तीन से चार पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं जैसे वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया ठीक है इसके अलावा साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया तो दिस इज दीज आर द फोर मेन इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है डिवीजन तुरंत कर लेना है यूरोप के बारे में कभी भी पूछा जाए अगेन आप डिवाइड कर लीजिए ईस्ट यूरोप दिस इज ईस्ट यूरोप एंड सेकेंड थिंग वेस्ट यूरोप ठीक है वेस्ट यूरोप इन दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए ये हो गया एक यूनिट और इधर हो गई हमारी दूसरी यूनिट जैसे देखिए डिवाइड कर लेंगे आप तो आपको मल्टीपल डिमेंशन मिल जाएंगे जैसे देखिए यहां पर आपके चार पॉइंट तैयार बन गए हैं ये चार पॉइंट तैयार हो गया यहाँ पर भी आपका दो पॉइंट तैयार हो गया मैटर द क्वेश्चन इज आस्किंग गोइंग टू आस्क अबाउट लेकिन आपके ऑलरेडी चार दो छे पॉइंट आपके तैयार हो गए हैं अब आते हैं वापस से क्वेश्चन में कोट करने के एग्जाम्पल बोल रहा है हमारा एग्जाम्पल पहले से तैयार पड़ा हुआ है मिशन लेकर के मिसाइल लेकर के तैयार है कहां पर गोली मारनी है आगे बात करता है कि अपॉन द कॉन्टेक्स्ट विद इन विच प्रो नेटलिस्ट पॉपुलेशन पॉलिसी प्रो नेटल का मतलब हो गया बच्चों की पॉलिसी कैसी है हम दो हमारे दो हैं या हम दो हमारे एक वाली पॉलिसी है आर एडवांस्ड व्हाट कुड बी द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज पॉलिसीज ऑन वुमेन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन यानी कि अब नया एक्टर में आ गया और नई एक तरीके से कंटेक्स मिल गई दैट इज मैटरनिटी तो दिस इज मैटरनिटी ठीक है तो सिंपल के सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक पॉपुलेशन पॉलिसी बनाने जा रहे हैं डज मैटर यहाँ पर क्या पूछा गया है मिटा दीजिए यहां पर सिंपल के सिंपल आपको एक पॉपुलेशन पॉलिसी बनानी है कीपिंग इन माइंड कि वुमेन के वर्क फोर्स का क्या होने वाला है ठीक है अब यहाँ पर वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया अब आपको पता है कि वुमेन की कंडीशन कहाँ पर कैसी है सीधी सी बात है वेस्ट एशिया में बहुत ही पुअर है सेंट्रल एशिया में अच्छी है ठीक है साउथ एशिया में अगेन यहाँ पर भी ठीक है सेंट्रल एशिया से थोड़ी बुरी है लेकिन आ, सेंट्रल एशिया में ज़्यादा अच्छी है साउथ ईस्ट एशिया में बहुत अच्छी है जो यहाँ पर फिलीपींस और जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब बहुत अच्छी की कैटेगरी में गई तो यहाँ पर वुमेन की कंडीशन आपको पता चल गई वेस्ट यूरोप और ईस्ट यूरोप में अगर आएंगे तो यहाँ पर वुमेन की कंडीशन दोनों जगहों पर अच्छी है वो बात दूसरी है कि वेस्ट यूरोप में ज़्यादा अच्छी है एज़ कंपेयर टू ईस्ट यूरोप अब देखिए यहाँ पर जैसे नॉर्वे वगैरह का आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा नॉर्वे स्वीडन ठीक है फिनलैंड इन सब थ्योरी का आपको मेंशन मिल जाएगा और बाकी इन लोगों को आप पॉपुलेशन पॉलिसी के साथ में लिंक कर दीजिए क्लियर यहां पर क्वेश्चन होता है कि यार ज्योग्राफी क्या है कहां पर हम ये ज्योग्राफी लिखें क्या लिखें ज्योग्राफी देखिए जो ज्योग्राफी है वो बेसिकली यहां पर है डेमोग्राफी के बारे में तो दिस इज डेमोग्राफी जहां पर आपको लगे वो आपके आंसर राइटिंग पे डिपेंड करता है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इट डिपेंड्स कि किस डिमेंशन से किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं अगर आप डेमोग्राफी देमोग्राफ, डेमोग्राफी को ध्यान देते हुए बात करेंगे तो आप दो चीजों के बारे में दिखा सकते हैं एक बता सकते हैं पिरामिड के बारे में कि किस तरीके की एज पिरामिड है क्योंकि यहां पर प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी के बारे में बात किया गया है बर्थ रेट डेथ रेट के बारे में बात करेंगे दूसरा बात कर सकते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल दिस इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल तो इन इस तरीके से बेसिकली आप दो डिफरेंट डिमेंशन को लेकर के चल सकते हैं और अल्टीमेटली अपने आंसर को कम्प्लीट कर सकते हैं दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर लेकिन जो फ्लो और जो कंटेंट है वो सब्जेक्टिव है वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं अगर आप बर्थ रेट डेथ रेट बच्चों की बातों को लेकर के बढ़ेंगे तो आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप डेमोग्राफी को एक्सप्लेन करिए और तुरंत आप बर्थ रेट डेथ रेट पर आ जाइए और उसके बाद से डेमोग्राफी ट्रांजिशन मॉडल इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के बाद आप पिरामिड पे आइए पिरामिड पे आने के बाद फिर आप इन चारों और इन दोनों को एग्जाम्पल लेते हुए वुमेन वर्कफोर्स के बारे में बता दीजिए सो दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी और इसी तरीके से आपको करना चाहिए क्लियर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी टेक्निकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहां पर बोला जा रहा है कि कमेंट अपॉन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डी एम स्मिथ स्मिथ साहब की कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना है यानी कि नाम आते ही आ गया कि बिहेवियरल जोग्रफी का केस है ये सो दिस इज बिहेवियरल ज्योग्राफी वेलफेयर एज अ की फोकस इन द जोग्राफीज ऑफ सोशल वेलबींग सिंपल है स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिहेवियरल ज्योग्रफी से शुरू करेंगे सोशल ज्योग्राफी पर आ जाएंगे और सोशल जोग्रफी में स्पेसिफिकली वेलफेयर ज्योग्राफी पर आ जाएंगे और इस वेलफेयर जोग्रफी से अल्टीमेटली जो डीएम स्मिथ की थ्योरी है या डीएम स्मिथ ने जो चीजें बोली हैं उसको आप एक्सप्लेन करेंगे एंड दैट्स इट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कोई भी इधर उधर दाएं बाएं वाली लिखने की चीज वही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो लोग भी एडवांस जोग्राफी कोर्स किए हैं उन लोग के लिए दिस इज द वेरी यू कैन से कंफर्टेबल क्वेश्चन क्योंकि डीएम स्मिथ को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में एक डिस्कशन किया हुआ है बाकी जो भी लोग हैं वो भी ईजिली डिफाइन कर सकते हैं थोड़ी सी कंटेंट की प्रॉब्लम जरूर हो सकती है लेकिन आ, लिख सकते हैं यू कैन ऑब्वियसली राइट दिस क्वेश्चन इजिली देखिए होता क्या है यूपीएससी में इनफैक्ट किसी भी स्टेट सर्विस स्टेट पी एग्जामिनेशन या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दोनों में ही क्या होता है कि यहाँ पर जो आठ क्वेश्चन होते हैं उसमें इंटेंशनली सेक्शंस में ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं कि जहाँ पर दो अच्छे लगें तो एक थोड़ा सा डाउटफुल हो मतलब कि एक में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो और ऐसे जनरली आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन वही अगर आप काफ़ी डिटेल्ड में पढ़ाई करके जा रहे हैं देन ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू राइट एनी ऑफ द क्वेश्चन आप हर एक क्वेश्चन में उतने ही कंफर्टेबल होंगे जितने की बाकी के अदर क्वेश्चन में सो दैट इज द थिंग तो यही चीज़ है कि आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़िए ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग करिए एंड ऑलवेज थिंक इन माइंड जब भी आप पढ़ाई करिए देखिए एक होता है जो आप पढ़ रहे हैं केवल ये ऐसा नहीं करिएगा आप यहाँ पर जब भी आप पढ़िए तो फ्रेम अ क्वेश्चन इन योर माइंड जब भी कोई कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वन एवर यू आर रीडिंग एनी कंटेंट फ्रेम अ क्वेश्चन इन योर माइंड फ्रॉम दिस पैराग्राफ या इस कंटेंट से क्या चीजें निकल के आ सकती हैं ठीक है सेवन well पे आ जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फेमिन इज अ सोशल फिनोमिना तो यहाँ पर एक हमें फेमाइन एक केस मिल गया है जो कि एक तरीके से वेलफेयर uh, की ही जोग्राफी में आ जाएगा अगर मुझे मॉडल्स की तरफ लेके जाना होगा तो तो वेलफेयर ये हो गया सोशल फिनोमिना या फिर इसी को सोशल जोग्रफी भी कह सकते हैं आप रूटेड इन इंस्टीट्यूशनल एंड पोलिटिकल इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स विच डिटरमाइन एक्सेस टू फूड बाय डिफरेंट क्लास एंड स्टेटा देखिए ये केस इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि ये यू की रिपोर्ट आई थी यू फूड की रिपोर्ट इनफैक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो यू फूड की एक रिपोर्ट आई थी और यू एन फूड की रिपोर्ट का जो थीम था ये फेमाइन ही था अर्थ फेमाइन पे ही इन्होंने पूरा का पूरा डिस्कशन किया था इवन इन द एडवांस जोग्राफी कोर्स अगेन वी हैव कवर्ड इट इन अ वेरी यू कैन से ब्रॉड मैनर तो यहाँ पर भी आप सीधे सीधे इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे अगर आप सो यू कैन इजिली राइट दिस क्वेश्चन बाकी इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो स्ट्रक्चर सिंपली यही होगी कि आप पहले बिहेवियरल जोग्रफ़ी एंड वेलफेयर जोग्रफी को आप पहले एक्सप्लेन करेंगे इस एक्सप्लेन करने के बाद में जो इनके कंट्रीब्यूटर्स हैं उन कंट्रीब्यूटर्स का आप सिंपल के सिंपल एक फ्लो चार्ट बनाएंगे एंड फ्लो चार्ट बनाने के बाद में आप ये बताएंगे कि फेमाइन व्हाट इज फेमाइन मतलब कि फेमाइन का क्या इशू है एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड विद दिस सोशल फिनमिना फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिस्कस दिस डिमेंशन और फिर उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल पोलिटिकल इकोनॉमिक अरेंजमेंट इसको लेकर के आएंगे कि फूड अब जैसे फेमाइन क्या है फेमाइन की सूखा पड़ गया है तो किस कारण से पड़ा है कि आपने एक्शंस uh, नहीं लिए प्रॉपरली एक uh, जो प्रोटेक्ट करना स्टोरेज बनाना जो ये काम करना था वो नहीं किया गया दूसरा पॉलिटिकल साइड में आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से इनएक्ट रही या इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो दैट काइंड ऑफ थिंग यू कैन ऑब्वियसली राइट दिस ठीक है सेकेंड पार्ट जो है कि विच डिटरमाइन एक्सेस टू फूड बाई डिफरेंट क्लास एंड स्ट्रेटा ये जो पार्ट है वो पोवर्टी को लिंक करते हुए है अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ दिस डिफरेंट क्लास एंड स्ट्रेटा इज एक्चुअली अंडर पोवर्टी लेवल एंड हाउ दे आर फेसिंग द इशू ऑफ फेमाइन तो ये पूरा का पूरा लिंकेज है इनफैक्ट जो एडवांस जोग्राफी वाले होंगे उनके लिए देखिए दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू यूज द कंटेंट जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके कंटेंट को आप लिख सकते हैं इवन इन दैट पार्ट ऑल्सो वी आर गोइंग टू पुट दैट क्वेश्चन अगेन ताकि आप उस चीज को लिख सकें सो दैट इज दैट शुड भी द स्ट्रक्चर अगेन दिस क्वेश्चन इज यू कैन से कंटेंट uh, यहाँ पर ऐसी होगी जो आप खुद से ही डिराइव कर सकते हैं यहाँ कोई मॉडल आंसर या मॉडल फ्रेमवर्क नहीं हो सकता है बिकॉज अगेन दिस इज दिस इज द क्वेश्चन वेयर यू हैव टू डिफाइन द डिमेंशन यू हैव टू डिफाइन द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन कि कैसे आपको लेकर के जाना है ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो मैंने बता दिया कंटेंट आपको कहाँ से देखना है ये भी बता दिया गया है

और इस ब्रेक के कारण से नाइनटीन के दौरान में और क्यू आर फेस कब डब्ल्यू बी थी नाइनटीन से से सेवेंटीज़ के बीच में और नाइनटीन ऑनवर्ड्स फिर ये ब्रेक आ गया और लोगों ने कहा दिस शुड नॉट बी फार्मूला मेकिंग दिस शुड नॉट बी द प्राइम फोकस ऑफ जोग्राफी बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी एंड जोग्राफी इज द थिंग दैट एक्चुअली शुड केयर अबाउट द प्रॉब्लम्स मतलब उनको क्या सॉल्यूट करना है कैसे करना है ये सब चीज़ें भी जोग्रफी में होनी चाहिए एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट टू स्कूल ऑफ थाट गॉट इमर्ज हैज फॉर्मेट ऑफ सोशलिस्टिक जोग्रफ़ी सोशल जोग्रफी और दूसरा हो गया जो ह्यूमनिस्टिक जोग्रफी थी अब देखिए सोशल वाले पार्ट में अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर डी एम स्मिथ एंड वॉलपर्ट इस तरीके से कई लोग आ गए थे ह्यूमनिस्टिक जोग्रफी का यहाँ पर क्वेश्चन है दो कंट्रीब्यूटर के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया गया है एक हमारे साहब हो गए जो Uh, श्वान साहब हो गए दिस इज़ वी फू श्वान और दूसरे साहब हैं जिनका नाम है रेल्फ इसके अलावा कुछ और के भी नाम अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जैसे बटनर का नाम दिस इज़ बटनर इसके अलावा फुआन का नाम भी आप लिख सकते हैं सो दैट दे आर द कंट्रीब्यूटर्स इन्हीं लोगों को अभी आपको मेंशन करना है तो इनकी कंट्रीब्यूशन आपको सिंपल के सिंपल लिखनी है एंड दैट्स इट दिस इज द आंसर यही है आपका आंसर यहां पर आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि सेंस ऑफ प्लेस का आपको एक स्पेशल मेंशन करके चलना है तो क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेंट यू कंटेंट लेकिन अगेन जो होता है दिस क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यू हैव टू रीड इसके लिए मैं आपको सोर्स बता देता हूं सोर्स इज सुदीप्ता अधिकारी तो सुदीप्ता अधिकारी बुक आप पढ़ सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और देखिए क्वेश्चन मतलब इस बुक में बहुत यू कैन से वेग नॉलेज है कई जगहों पर इधर उधर भी है तो यू हैव टू जस्ट कंपाइल द इंफॉर्मेशन विच इज देयर इन द डिस्क्रीट फॉर्मेट उसको आप लोग कंपाइल कर लीजिएगा और अल्टीमेटली आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं सो सोर्स मैंने बता दिया स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कंटेंट यू कैन डिराइव नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इलेबरेट अपॉन द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिस्ट फिलोसफी ऑन ज्योग्राफिकल रिसर्च आउटलाइनिंग की थीम एड्रेस्ड बाय मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर सिंस नाइनटीन सेवेंटीज अब देखिए यहाँ पर भी यही सेम है जो सोशलिस्टिक ज्योग्राफी आई थी उस सोशलिस्टिक में एक्चुअली फिर से दो पार्ट थे एक थे जहाँ पर मार्क्सिस्ट अप्रोच था और जहाँ दूसरी ओर में सोशलिस्ट अप्रोच था सोशलिस्ट अप्रोच के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है ये आपको पता होना चाहिए कि, कि किस तरीके से मार्क्सिस्ट अप्रोच ये बढ़ी गई थी और कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मार्क्सिस्ट अप्रोच में अपनी कंट्रीब्यूशन दी है क्वेश्चन इज अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड बट अगेन यू नीड एक्स्ट्रा कंटेंट एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूटर का नाम जो कि इस मार्क्सिस्ट फिलोसफी से रिलेटेड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन एडवांस जोग्रफी कोर्स एंड सोर्स यहाँ पर यही है सोर्स द सेम सोर्स सुदीप्ता अधिकारी बुक यहाँ पर भी काफी अच्छा आपको चीजें काफी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा एंड स्ट्रक्चर में भी अगर बात करें तो स्ट्रक्चर इज अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर चीज़ें जो लिखी गई हैं जैसे लिखी गई हैं वैसे ही आपको यहाँ पर लिख देना होगा कॉपी कर देना एक तरीके से कह लीजिए क्वेश्चन इज लिटिल बिट ट्रिकी और uh, थोड़ा सा टफ भी आप कह सकते हैं बिकॉज दिस इज़ द कंटेंट दैट एक्चुअली नॉर्मली पढ़ाया नहीं जाता है नॉर्मली आपको बेसिक में नहीं कराया जाता है थोड़ी सी आप या तो एडवांस में करते हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी से करते हैं नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट इसका फर्स्ट पार्ट है कि वेलफेयर जोग्रफी इम्फेसाइजेज सोशल स्पेशल इन इक्वालिटी एंड टेरिटोरी जस्टिस अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम लोगों ने देखा कि मॉडल्स के यानी कि जो परस्पेक्टिव का चैप्टर है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि नाइनटीन के बाद से जितने भी डेवलपमेंट्स उस पर स्पेशल फोकस कर रही है यू जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक तो क्यू वगैरह तो पूछा गया सो दैट इज डिफरेंट थिंग लेकिन जो नाइनटीन सिक्सटीज़ के बाद से चीज़ें डेवलपमेंट्स हुई हैं जैसे सोशल ज्योग्राफी हो गई और ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी हो गई मार्क्सिस्ट ज्योग्राफी हो गई और इसी सोशल में फिर एक्स्ट्रा आगे बढ़ के वेलफेयर ज्योग्राफी हो गई तो इन सब पर यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही है बिकॉज यहाँ पर जो कंटेंट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है एंड यू पी एस सी इज़ कंटिन्यूसली ट्राइंग टू मेक द पेपर एज़ कंटेम्प्रेरी एज इट कैन भी तो इस वजह से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टॉपिक्स है वो उस पर एक्स्ट्रा फोकस होता है एंड इवन इन फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑल्सो दिस दिस वुड बी द ईयर जिसके आगे के जितने भी कंटेंट डेवलपमेंट हुए हैं वही सब आएंगे सो कीप इन माइंड कि आप इन सब चीज़ों को जब आप पढ़िए जब भी आप टाइम मिले तो इन सब एरियाज़ पर इन सब टॉपिक्स पर आप स्पेशल फोकस करिए बिकॉज दीज आर द एरियाज़ फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन आर जनरली बींग पिक्ड वेरी रेगुलरली ठीक है क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि वेलफेयर सोशल एंड टेरिटोरियल जस्टिस अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कुछ इसी तरीके का एक सोशल इंडिकेटर इंडिकेटर या फिर वेलफेयर है और यहाँ पर भी सोशल और टेरिटोरियल जस्टिस के बारे में बात की जाती है हालांकि टेरिटरी के विद इन द टेरिटरी कोई जस्टिफिकेशन या कोई भी सोशल वेलफेयर नहीं बात की जाती है लेकिन एक ओवरऑल सेंस में टेरिटरी वाइज यू कैन से कि यहाँ पर सोशल इनक्वालिटी और बाकी चीजों के बारे में बात की जाती है एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर जोड़ सकते हैं आप इंटीग्रेटेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या इनिकवलिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसके अलावा एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हैं मल्टी डिमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स अब देखिए जो जो लोग भी एडवांस जोग्रफी वाले होंगे उनको अब समझ में आ रहा होगा द कंटेंट वी हैव डिस्कस्ड एंड हाउ वी कैन यूज दीज कंटेंट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन एडवांस जोग्राफी भी काफी इंपॉर्टेंट है ऑल यू नीड टू नो कि कैसे इस कंटेंट को इनरिचमेंट प्रोग्राम को कैसे आपको आंसर राइटिंग में यूज करना है दैट इज वाई वी आर कंटिन्यूसली इमसाइजिंग फॉर यू टू राइट आंसर प्रैक्टिस द आंसर देन ओनली यू विल गेट टू नो कि कैसे चीजों को कैसे कंटेंट को यूज करना है सो वी आर टॉकिंग मच मोर फिलासोफीज टूडे बिकॉज द क्वेश्चन इज अगेन आस्किंग द सेम थिंग क्वेश्चन पास्ट या क्वेश्चन से देखिए सीखने की जरूरत होती है कि आखिर में हम लोग क्या इसे सीख सकते हैं तो यहाँ पर वही चीज़ है कि कैसे आपको लिखना है स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया है आगे बोलता है कमेंट विद द रेफरेंस टू द मेन आइडिया एंड स्कोप ऑफ द सब फील्ड तो सिंपल यही सब जो कंटेंट यही सब जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं इसी को एक्सप्लेन करना है इसी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को आपको दिखाना है इनफैक्ट in इंटीग्रेटेड वाले पार्ट में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमें कुछ ऐसे अदर एलिमेंट लेकर के चलने होंगे ऐसे अदर टाइप के पैरामीटर लेकर चलने होंगे जिसको कि आज की डेट में तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते मेजर नहीं कर सकते बट इन द फ्यूचर वी कैन यूज दिस कंटेंट कैन मेक द थिंग क्लियर हो गया क्या चीज है तो इस तरीके से हमें आगे आंसर लिखना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे डिस्कस क्रिटिकली द मैनर इन विच क्यू आर क्वान्टिटेटिव रोल्यूशन अब आप देख सकते हैं मतलब नियर अबाउट परस्पेक्टिव इन ह्यूमन जॉग्रफी से फाइव क्वेश्चन और द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ परसपेक्टिव इन जोग्रफी इज है जियोग्रफी ऑप्शनल सब्जेक्ट देख सकते हैं आप कितना ज्यादा पूछा गया है तो डिस्कस क्रिटिकली द मैनर इन विच क्वान्टिटेटिव रिवोल्यूशन प्रोवाइडेड मेथडोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर मॉडल्स एंड मॉडल मेकिंग इन जोग्राफी कुछ नहीं करना है मुझे लगता है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है स्ट्रक्चर में आप सीधे सीधे क्यू आर फेज के डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे कि हाउ डड गॉट दिस डेवलप्ड तो क्यू आर फेज से पहले एक लेवल पहले चले जाएंगे एरियल डिफ्रेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे आप और इस एरियल डिफ्रेंशिएशन की कमियों को बताते हुए शेफर के व्यू को लेते हुए अल्टीमेटली आप क्यू आर फेस को एक्सप्लेन कर देंगे एक्सप्लेन करने के साथ साथ यहाँ पर जितने भी ऑजम्पशंस लिए गए थे उस ऑजम्पन को भी आप क्लियर करते हुए अल्टीमेटली बता देंगे कि, कि किस तरीके से सिस्टम्स अप्रोच जो है वो डेवलप हुई थी इस सिस्टम्स अप्रोच को डेवलप अब सिस्टम अप्रोच में देखिए स्पेशल फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर है मॉडल मेकिंग एंड मेथडोलॉजी फाउंडेशन मेथडोलॉजी फाउंडेशन में आप सिस्टम्स अप्रोच को लेकर के चल सकते हैं कि दिस इज द न्यू काइंड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन जहां पर मैथमेटिकल अप्रोचेस मैथमेटिकल लिंक्स मैथमेटिकल फ्लो इनके बारे में बात की जाने लगी थी क्लियर हो गया और वहीं दूसरी ओर आप जो है चीज़ों के बारे में बता देंगे द अदर थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ठीक है तो इस तरीके से आप चीज़ों को दिखा देंगे ओके okay, सो so, आ, देख लिया हम लोगों ने मेथडोलॉजी के लिए हमारा ये एक सेक्शन हो गया और दूसरा है मॉडलिंग को लेकर के अब देखिए मॉडलिंग में आपको दो चार चीज़ों को ध्यान रखना है जैसे एक तो लोकेशनल वाली ही मॉडल्स हो गए जिसमें कि आपका आ, वेबर का मॉडल हो गया क्रिस्टॉलर का मॉडल हो गया और वथ यून का मॉडल हो गया इसके अलावा कुछ और भी चीज़ों को लिख सकते हैं आप जैसे एकर के बारे में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एडवांस थोड़ा सा हो जाएगा वेवर के बारे में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या इसके अलावा उलमैन के बारे में जो कि अर्बनाइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा उनके बारे में भी लिख सकते हैं हारवी के बारे में लिख सकते हैं सो दीज आर सम ऑफ द एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूटर दैट यू कैन राइट इन दिस क्वेश्चन सो सिंपल क्वेश्चन है ज़्यादा कुछ खास नहीं है बस ये है कि कंटेंट नीड टू मैनेज एंड दीज आर द स्ट्रक्चर दिस इज़ द स्ट्रक्चर दैट यू शुड फॉलो ठीक है बाकी इसको लिखिएगा आप लोग कहीं प्रॉब्लम होगी देन लेट मी नो सो दैट वी कैन अगेन डिस्कस दिस क्वेश्चन बाकी लास्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं लिमिट टू ग्रोथ को लेकर के एन अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने को यहाँ पर है नहीं गिव अ ब्रीफ मेन थेसिस ऑफ लिमिट टू ग्रोथ एंड क्रिटिक आपको देना था तो सिंपल क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसकी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी और दिस इज़ वेरी बुकिश टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिमिट टू ग्रोथ के बारे में बताना था और सिंपली उसकी क्रिटिसिज्म कर देनी थी तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिस्कस करने को है नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे वी हैव डिसकस्ड वी हैव कवर्ड दिस पेपर नंबर वन सेक्शन ए हम लोगों ने कल किया था सेक्शन बी हम लोगों ने आज कर लिया है बाकी आप लोग कोशिश करिएगा लिखने की और अगर कोई कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर ऑब्वियसली यू कैन रीच अस एंड कमेंट कर सकते हैं अपने जो भी क्वेरीज हो सो दैट वी कैन टेक योर क्वेरीज इन द नेक्स्ट लेक्चर ठीक है बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच